नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको यूपी के कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा विश्वकर्मा समाज को सरकार में हिस्सेदारी दी और विधानसभा में टिकट भी दिया है। सन 1996 में गोविंद नगर विधानसभा से ओम प्रकाश शर्मा को सपा के टिकट दिया था। सन 2002 में गोविंद नगर विधानसभा को ओपी शर्मा जादूगर को सपा से टिकट दिया था। जो लोग सन 2017 में भाजपा से विश्वकर्मा समाज को टिकट देने की बात करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि विश्वकर्मा समाज को समाजवादी पार्टी पहले से ही टिकट दे दिया है। भाजपा बताया कि उन्होंने विश्वकर्मा समाज को मंत्रिमंडल में भागीदारी क्यों नहीं दी, जबकि सपा सरकार ने माने नेता और अखिलेश यादव ने राम आश्रय विश्वकर्मा को 2 बार मंत्री बनाया। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज का सम्मान, अधिकार, रोजगार, आरक्षण सब कुछ छीना है। उक्त भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने आज कानपुर के एके पहले सभागार शास्त्री नगर में आयोजित विश्वकर्मा चौपाल में कही क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। में जनता को क्या अपील करेंगे आप? कानपुर में आज विश्वकर्मा समाज का चौपाल कार्यक्रम में हम आए थे। विश्वकर्मा समाज से हमने संवाद भी किया, बात भी किया और यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से बचे। भाजपा लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है और गुमराह करके वोट इन्होंने 14 में लिया, 17 में लिया और नहीं लिया। आज तक कोई भी ना विकास का काम किया, ना नौकरी दी, ना रोजगार दिया, ना किसी को सम्मान दिया, ना अधिकार दिया। केवल लोगों का अपमान किया, महंगाई बढ़ाई, गरीबी बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ाया। ये दौरा कानपुर से और कहाँ कहाँ रहेगा आपका भी? ये दौरा हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, विभिन्न चरणों में। प्रत्येक जनपद में हम जाकर विश्वकर्मा समाज के लोगों की चौपाल लगाकर उनको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। आइए आइए।